अल्लाह ताला से फिर सवाल किया है मालिक मौला, अगर इस जन्नत
इससे भी ज्यादा खुश हुए हो तो फिर क्या अदा करते हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उसे दूसरी बेटी अदा कर देता। प्यारे बच्चों, आपको भी अल्लाह तआला ने बहुत खूबियाँ दिया है। जब दुनिया में तुम आती हो, माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत लेके आती हो, जब अपने उम्र को पहुँचती हो, शोहर की खुशनुदी करने के बाद खुद जन्नत के हकदार बन जाती हो, और जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से माँ बनती हो, तो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत देने की बशारत अता फरमा दिया। हमारे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया है, ए प्यारे इंसानों, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तुम उस चीज़ों को याद करो उनके मुखालिफ आने से पहले। जैसे अगर तुम्हारे पास फुर्सत का औकात है तो तुम मशगूलियत से पहले फुर्सत की कदर करो। अगर तुम्हारे पास सेहत है तो मर्ज आने से पहले तुम उस सेहत की कदर करो। जिंदगी है तो मौत से पहले तुम जिंदगी की कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सेहत को मर्ज से पहले याद करो। यानी कि अहादीस करीमा से हमें यह सबक मिलता है कि जो वक्त अल्लाह ने हमें दिया है वो हमारे लिए गनीमत है। जैसा कि आपने बुखरात के कौल को सुना होगा या पढ़ा होगा, बुखरात ने कहा है कल का जो दिन था वो फुर्सत का था, आज का दिन जो है वो काम का है। कल का फुर्सत का था, आज का काम का है, और आने वाला जो है वो जिंदगी संवारने के प्रोग्राम का। तो लिहाजा जो वक्त तुझे मिल गया है ये गनीमत वक्त है, लिहाजा इस वक्त को बेकार ना करते हुए अगर उस वक्त को काम में लाओगे यकीनन तुम्हारे लिए कामयाबी है और दिन और दुनिया में कामयाबी है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस चीज़ ये चुन लिया है कि अब आपके पास आने वाला कोई हंसता हुआ नहीं आएगा, बल्कि जो आएगा वो रोता हुआ आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो इल्म दिया है कि रोते हुए आने वाले को आप एक ऐसा पैगाम दो, ऐसी चीज़ें दो कि आपके पास से हंसता हुआ चला जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए चुन लिया। इंसानों, अभी सुना आपने कि इल्म हासिल कर लेना कमाल नहीं है, कि दौलत हासिल कर लेना कमाल नहीं है। इससे पहले मैंने आपको कभी बताया होगा कि एक प्रोफेसर बहुत बड़े फलसफी से पूछा था उन्होंने कि दुनिया में बड़ी परेशानी चल रही है, ये मालदार लोग, ये कारखाने वाले, ये सोसाइटी वाले अपने नीचे वाले वर्करों को परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से दुनिया का माहौल खराब हो रहा है। उस प्रोफेसर ने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चलते रहता है, इससे दुनिया की कोई खराबी आने वाली नहीं है, सुधी आपस में सुधार लेंगे लोग। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हीं प्रोफेसर के पास कुछ लोग पहुंचे कि ये काम करने वाले वर्कर बहुत परेशान कर रहे हैं, यूनियन बना लिए हैं, काम नहीं करते हैं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे भी माहौल खराब होने वाला नहीं है, ये चंद दिनों के लिए है, ये चंद दिन अपने मांग के लिए जाएंगे, अपने हक के लिए, फिर मामला सही हो जाएगा। लोग झल्ला उठे कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसे दुनिया संवरती है या दुनिया बिगड़ती है? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि बच्चों सुनने की बात है, उन्होंने कहा वो चीज़ जो दौलत से नहीं खरीदी जाती है उससे दुनिया बिगड़ती भी है। और सबरती है। लोगों ने कहा वो क्या है? वो उन्होंने कहा वो है तुम्हारा अखलाक, वो है तुम्हारा किरदार, वो है तुम्हारा किरदार, वो सबसे बड़ा हथियार है। अगर पढ़ा लिखा इंसान बदल जाए तो दुनिया को बदल सकता है, और वो अपने अखलाक को सुधार ले तो दुनिया को सुधार सकता है। इसलिए कि अखलाक ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास दौलत है, अखलाक नहीं है तो कोई भी पूछने वाला है। आपके पास इल्म है, अखलाक नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। वही अखलाक है जो आपको हर जगह कामयाबी का सिरा दिखाने वाला है। इंसानों, इंसान तो बढ़ते ही है, अगर अखलाक सही हो और ज़ौक यकीन हो, मौकम हो, यकीन तुझे कामयाबी मिलेगी, परेशानी तो आती रहती है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि
की बात